शराबी अभियंता द्वारा गला घोटकर नाबालिग बेटी की हत्या का प्रयास किए जाने का केस सामने आया है। तुरंत उपचार मिल जाने से बालिका की जान बचा ली गई। ये वारदात हुड़केश्वर थाने के तहत हुई है। आरोपी 43 वर्षीय नरेंद्र अतकरे है। नरेंद्र अभियंता है। बताया जाता है कि उसे शराब की लत है, उसके चलते उसकी नौकरी छूट गई है। उसके परिवार में वृद्ध पिता, पत्नी तथा दो बेटियां हैं। पिता कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी है। नरेंद्र द्वारा यातनाएं देने से पत्नी छोटी बेटी को लेकर मायके चली गई है। नरेंद्र पिता तथा बड़ी बेटी 12 साल की चवि के साथ रहता है। रविवार रात 10 बजे नरेंद्र ने चवि की गला घोटकर हत्या करने का प्रयास किया। उस वक्त नरेंद्र के पिता पुंडलिक राव घर के आगे बैठे थे। आवाज सुनकर पुंडलिक राव घर में गए। उन्हें पोती उल्टी करते दिखी। उसकी हालत चिंताजनक थी। पुंडलिक राव ने पोती को पड़ोसी की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद सुधार होने पर पोती ने सच्चाई बताई। उसने 9 अगस्त को भी नरेंद्र द्वारा इस तरह का कृत्य किए जाने का बताया। इसके बाद पुंडलिक राव ने हुड़केश्वर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना है कि बेटी को मोबाइल पर व्यस्त देखकर वह आपा खो बैठा। इस वारदात से पहले नरेंद्र ने ससुर को फोन कर गाली देकर धमकाया था। ससुर पर छोटी बेटी से अलग करने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा छोटी बेटी से स्नेह और बड़ी की हत्या का प्रयास किए जाने की बात पूछने पर नरेंद्र की बोलती बंद हो जाती है। पोस्टर हुड़केश्वर येथे काल एक भादवी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। यामध्ये आरोपी आहे अतुल अतकर याने स्वतःची 12 वर्षीय मुलीचा गळा दाबून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आरोपी हा व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनियर आहे, पण त्याला अत्यंत दारू पिण्याच्या सवयीमुळे 3 वर्षापूर्वी त्याचा जॉब गेला होता। तेव्हापासून तो घरी एकटाच राहायचा, वडिलांसोबत राहायचा। तो पत्नीपासून पण विभक्त राहतो। त्यांना 2 मुली आहे, लहान मुलगी पत्नीसोबत राहायची आणि मोठी मुलगी आहे आरोपीसोबत राहायची। परवा रात्री आरोपी घरी आल्यानंतर दारूच्या नशेत घरी आला, तो वडिलांशी त्याचा वाद झाला आणि त्याच वेळेस त्यांनी सासऱ्यांना पण कॉल केला होता। सासऱ्यांशी पण त्याची काहीतरी बाचाबाची झाली। तर संतापाच्या भरात जेव्हा मुलगी रूममध्ये झोपायला गेली तेव्हा तो गेला, ते त्याने मुलीचा गळा दाबला। मुलीला वॉमिटिंग झालं आणि मुलगी एकदम थंड पडून गेली। तिचा खिंचण्याचा आवाज ऐकून आजोबा पळत गेले होते। त्यांनी तिला तत्काळ उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल केलं आणि तिचा ती शुद्धीत आल्यानंतर तिला विचारलं तर तिने सांगितलं वडिलांनीच गळा दाबला आहे। त्यावरून आपण आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केलेली आहे। नाही, आरोपीचा काही क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही आहे। कॅमेरा पर्सन मायकल रामपुरे के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।